नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल फिल्मी वाणी पर दोस्तों इस समय हमारे चैनल पर एक सीरीज चल रही है जहां पर हम आपको एक्टर्स के फिल्मी सफ़र पर लेकर चलते हैं हम उनके कैरियर को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं साथ ही साथ उस एक्टर से जुड़ी कुछ इंटरेस्टिंग जानकारियां भी आपको प्रोवाइड करते हैं दोस्तों उसी कड़ी में आज हम बात करेंगे तमिल सुपर सूर्या की मगर उससे पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने इस सीरीज़ के पुराने वीडियोज़ को अभी तक नहीं देखा है तो उससे ज़रूर देख लें उनकी लिंक आपको पर आई बटन पर दी गई है बहरहाल आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो में अंत तक बने रहें तमिल सुपरस्टार सूर्या इंडस्ट्री के चार टियर वन में एक्टर हैं जिन्होंने मास और क्लास सिनेमा में सक्सेसफुल बैलेंस पिछले दो दशकों से मेंटेन करके दिखाया है जहां एक तरफ जय भीम और सुराराई पोट्रो जैसी कंटेंट ड्रिवन फिल्मों के चलते उन्हें पैन इंडिया लेवल पर ह्यूज क्रिटिकल अक्लेम मिला वहीं इनकी मूवी गजनी सिंघम और कंगुआ जैसी फिल्में कमर्शल मार्केट में भी एक बड़ा अटैम्प्ट मानी जाती हैं सूर्या ने अपने पूरे कैरियर में टोटल 42 फिल्मों में काम किया जहां पर मात्र आठ फिल्में ऐसी थी जिन्हें क्लियर फ्लॉप की वर्डिंग मिली कुछ फिल्में एवरेज भी रही इसके बावजूद इन फिल्मों ने अपने बजट को रिकवर करके दिखाया था इस लिहाज से सूर्या का सक्सेस रेशियो बनता है 80 परसेंट जिसको इन्होंने पिछले छब्बीस सालों से मैंटेन करके दिखाया है और ये बात अपने में बहुत बड़ी मानी जाएगी चलिए अब आपको लेकर चलते हैं सूर्या के फिल्मी सफर पर दोस्तों मशहूर तमिल एक्टर शिवा कुमार के बेटे सूर्या ने अपनी फिल्मी पारी की शुरुआत निरक्कू नेर फिल्म से की जहां पर फिल्म के मुख्य चेहरा थे थलपति विजय फिल्म कमर्शियली सक्सेसफुल तो रही मगर इस फिल्म की सक्सेस का ज्यादा क्रेडिट सूर्या को गया नहीं फिल्म के डायरेक्टर थे वसंत वैसे आपको बता दूं डायरेक्टर वसंत ने सूर्या को एज अ लीड हीरो आशाई फिल्म ऑफर करी थी अगर सूर्या उस समय फिल्मों में काम करने के लिए तैयार होते तो साल उन्नीस की मूवी आशा ही इनकी डेब्यू फिल्म कहलाती जो कि तमिल बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी हालांकि सूर्या ने इस फिल्म में काम करने से मना कर दिया इसके बाद फिल्म में अजीत कुमार को कास्ट किया गया और यह फिल्म उनके कैरियर की ब्रेक थ्रू फिल्म साबित हुई बहरहाल पहली फिल्म में सेकंड लीड हीरो के तौर पर काम करने के बाद सूर्या ने कई फिल्मों में सोलो हीरो के तौर पर काम किया इसमें साल उन्नीस की मूवी कडाले निम्बड़ी साल उन्नीस सौ अट्ठानबे की संडी पोमा और उन्नीस की पेरी एन्ना शामिल हैं जो कि तमिल बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पाई इवन इनकी स्क्रीन प्रेजेंस और डायलॉग डिलीवरी इतनी खराब थी कि रजनीकांत साहब ने कहा था कि जब उन्होंने सूर्या को पहली बार स्क्रीन पर देखा तो उन्हें बिल्कुल भी नहीं लगा था कि ये एक्टर इंडस्ट्री में सर्वाइव कर पाएगा मगर सूर्या ने खुद पर इतना काम किया कि मैं आज उनसे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हूँ इवन सूर्या की गिनती आज इंडस्ट्री के टॉप एक्टर्स में होती है दोस्तों इन सभी बातों को रजनीकांत साहब ने कापन मूवी के इवेंट में बताया था बहरहाल साल 1999 में इन्होंने अपनी वाइफ ज्योतिका के साथ पहली बार स्क्रीन शेयर किया ये फिल्म थी पोविलियम के पर जो कि एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म थी और तमिल बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई ये सूर्य के लिए एक पहली बड़ी सक्सेस थी इसके बाद ये सन 2000 की मूवी विरिले तू नाम की फिल्म में नजर आए ये फिल्म तमिल बॉक्स ऑफिस पर एवरेस्ट साबित हुई इसके बाद साल दो में ये थलपति विजय के साथ एक और फिल्म में नजर आए इस फिल्म का नाम था फ्रेंड्स फ्रेंड्स तमिल बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी सक्सेस साबित हुई सूर्य एक पहचान तो पा चुके थे मगर इनकी उतनी बात नहीं होती थी मगर डायरेक्टर बाला ने सूर्य की उस साइड को प्रेजेंट करके दिखाया कि आने वाले सालों में इनकी गिनती कमल हसन और विक्रम जैसे एक्टर्स के बीच होने लगी साल दो एक में डायरेक्टर बाला के निर्देशन में एक फिल्म बनती है जिसका नाम था नंदा सूर्या इस फिल्म में एक जेल से छोटे हुए कैदी के तौर पर नजर आते हैं जो सोसाइटी में फिट होने की कोशिश करते हैं यहां सूर्या की वाकई एक बेहतरीन परफॉर्मेंस देखने को मिलती है फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई और इस फिल्म में सूर्या को एक सीरियस एक्टर के तौर पर स्थापित कर दिया बहरहाल साल नगर दो, दो में सूर्या में तीन फिल्मों में देखने को मिलते हैं इसमें इनकी पहली मूवी नैनीथु बॉक्स ऑफिस पर हिट रही श्री बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई वहीं डायरेक्टर गौतम वासुदेव मैनन के निर्देशन में बनी मौनम पैसेदे को बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट की वर्डिक मिली और ओवर द पीरियड इस फिल्म की एक कल्ट स्टेटस मिल चुका है साल नगर तीन सूर्या के लिए काफी लकी साबित हुआ दोस्तों इस साल इनकी दो फिल्में रिलीज होती हैं जहाँ एक फिल्म के चलते इन्हें ह्यूज क्रिटिकल अक्लेम मिला वहीं दूसरी फिल्म के चलते इन्हें एक बड़ी कमर्शियल सक्सेस इसमें पहली फिल्म थी काका काका जी हां वही फिल्म जिसको जॉन अब्राहम ने फोर्स के नाम से रिमेक किया है दोस्तों ये फिल्म कमर्शली इतनी बड़ी सक्सेस साबित हुई कि फिल्म को ब्लॉकबस्टर का स्टेटस मिला वहीं बात करें पीथा मगन की तो डायरेक्टर बाला के निर्देशन में बनी इस फिल्म में सूर्या विक्रम के दोस्त के रोल में नजर आए दोस्तों सूर्य ने अपनी परफॉर्मेंस से सभी के दिलों को जीत लिया साल दो चार में इनकी टोटल दो फिल्में रिलीज होती हैं और ये दोनों ही फिल्म में सूर्य रोल में थे जहाँ पर इनका एक फिल्म को एक सुपर हिट फिल्म की वर्डिक मिली वही दूसरी मूवी थी एतु मनी रत्नम के निर्देशन में बनी वही फिल्म जिसको हिंदी में अपने युवा के नाम से देखा होगा दोस्तों इस फिल्म को भी सुपर हिट की वर्डिक मिली सूर्या धीरे धीरे मास

इनकी मूवी आरू भी सुपरहिट रही दोस्तों साल दो हज़ार की इनकी मूवी सिलेना और काडल भी बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई 2007 की वेल भी सुपरहिट रही और 2008 की मूवी वरनम आयरम भी बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई सूर्या का बॉक्स ऑफिस पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग हो चुका था और ये अब थलपति विजय और अजीत कुमार जैसे एक्टर्स के लीग के एक्टर बन चुके थे साल दो नौ में सूर्या की दो फिल्में रिलीज होती हैं एक थी अयान जो कि बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई वहीं दूसरी मूवी थी अधावन दोस्तों इस फिल्म को भी एक हिट फिल्म की वर्डिंग मिली फिर आता है साल 2010 दो दोस्तों एक ऐसा साल जब थलापति विजय थला, थला अजीत कुमार और चियान विक्रम जैसे बड़े एक्टर्स की मास एक्शन बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पा रही थी मगर ऐसे में सूर्या की मूवी रिलीज होती है सिंघम जिसने तमिल बॉक्स ऑफिस पर पूरी तरह से धमाल मचा दिया यह सूर्या की 25वीं फिल्म थी जो बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर रही और ओवर द पीरियड इस फिल्म की अपनी एक लेगेसी बन चुकी है दोस्तों इसी साल ये रक्तचरी 2 में भी देखने को मिले जो बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से फ्लॉप रही साल हज़ार में यह चेन्नई वर्ष चाइना फिल्म में नजर आए दोस्तों ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट रही और उस साल की हाइएस्ट ग्रॉसर फिल्म भी कहलाई दोस्तों यह पहली बार था जब सूर्या ने हाइएस्ट ग्रॉसर फिल्म को डिलीवर किया था साल हजार बारह की मात्रा एवरेज रही दोस्तों 2013 में ये अपनी सुपरहिट फिल्म का सीक्वल लेकर आते हैं यह फिल्म थी सिंगम 2 जो अगेन बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई ये वो टाइम था जब सूर्या कई मामलों में कई बड़े एक्टर्स को पीछे छोड़ चुके थे बहरहाल दो हजार में इनकी एक मूवी रिलीज होती है अनजान जो की बॉक्स ऑफिस पर नहीं चली। 2015 में इनकी मूवी रिलीज होती है मासू इंगरा मशीला मनी दोस्तों ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर एवरेज साबित हुई 2015 में ये पसंगा टू नाम की चिल्ड्रन फिल्म में नजर आए मैं चार करोड़ के बजट पे बनी इस फिल्म ने बावन करोड़ की कमाई करी और फिल्म को एक ब्लॉकबस्टर स्टेटस मिला ये तारे जमीन पर की रीमेक थी और इस फिल्म को सूर्या ने प्रोड्यूस भी किया था यहीं समय यह देखने को मिलता है कि एक प्रोड्यूसर के तौर पर सूर्या का विजन कितना सही है 2016 में इनकी एक मूवी रिलीज होती है 24 दोस्तों ये एक साइंस फिक्शन फिल्म थी जिसको 70 करोड़ की लागत में बनाया गया और इस फिल्म ने 100 करोड़ की कमाई करी थी फिल्म को एक कमर्शियल सक्सेस फिल्म की वर्डिक मिली हुई है 2017 में इनकी मूवी सिंहम थ्री रिलीज होती है वैसे तो ये एक कमर्शियल सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई मगर इस फिल्म को काफी सारे नेगेटिव रिव्यू मिले थे इवन अपनी फ्रेंचाइजी की प्रीवियस फिल्मों के कंपेयर में इस फिल्म ने कम कमाई करी 2018 में ये थाना सरिंदा कट्टम नाम की फिल्में हमें देखने को मिलते हैं दोस्तों इस फिल्म ने 100 करोड़ की कमाई करी और एक सक्सेसफुल वेंचर साबित हुई 2019 की के एनजीके फ्लॉप रही इसी साल ये कापन मूवी में भी नजर आए जहां पर सूर्या के साथ हमें मोहनलाल और आर्या भी देखने को मिलते हैं पिछहत्तर करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने सौ करोड़ की कमाई करी और इस फिल्म को एक हिट फिल्म की वर्डिक मिली इसके बाद ये रिलीज किया गया था दोस्तों पर की वर्डिक मिली हुई है। इसके बाद सूर्या की मूवी रिलीज होती है थुन्नी दवन दोस्तों पचहत्तर करोड़ के बजट में इस फिल्म ने लगभग 170 करोड़ से 200 करोड़ के बीच की कमाई करी और इस फिल्म को एक सुपरहिट फिल्म की वर्डिक मिल चुकी है वहीं इनकी लास्ट रिलीज है कंगवा जिसका रिव्यू हमारे चैनल पर आ चुका है दोस्तों फिल्म को बहुत अच्छे रिव्यू नहीं मिले हैं अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि अपने लाइफ टाइम में ये फिल्म कितनी कमाई करती है फिल्म सक्सेसफुल हो पाएगी या नहीं ये बात का विषय है बहरहाल ये रहा सूर्य के ऊपर हमारा आज का स्पेशल वीडियो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं साथ ही साथ नेक्स्ट अब आप किस एक्टर के ऊपर सेम ऐसा ही वीडियो देखना चाहते हैं उसका नाम भी नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मैंशन करें दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें आपका बहुत बहुत धन्यवाद